आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप घर बैठे अपने आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर कैसे लिंक कर सकते हैं। यानी कि आपके आधार कार्ड के साथ कोई भी मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, अब आप घर बैठे लिंक करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं अपने मोबाइल से, या फिर आप चेंज करना चाहते हैं, कोई दूसरा नंबर पहले लिंक था अब आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सारी प्रोसेस लाइव बताऊंगा। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में आना है और यहाँ पे क्रोम ब्राउजर पे चले जाना है। क्रोम ब्राउजर पे जैसे ही जाएंगे अब यहाँ पे आपको सर्च करना है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पर्सनल लिख के सर्च करना है। जैसे ही सर्च करेंगे फर्स्ट में ये जो वेबसाइट आएगी आपको इस पे क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पे ये जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ ये ऑनलाइन प्रोसेस है, आपको ध्यान से समझना है। इसमें आप दोनों काम कर सकते हैं, चाहे आपको चेंज करना हो चाहे आपको नया ऐड करना हो अपना बैंक आपका मोबाइल नंबर अपने आधार कार्ड के साथ। अब यहाँ पे आपको ये जो तीन डंडे दिख रहे हैं छोटे छोटे पर्सनल के नीचे, आपको इन तीन डंडों पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे अब यहाँ पे आपको सर्विस रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको IPPB कस्टमर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है सिंपल सा। जैसे ही क्लिक करेंगे अब यहाँ पे आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करते जाना है और यहाँ पे जैसे ही आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा आधार मोबाइल अपडेट। इसी वाले ऑप्शन से चाहे आपको ऐड करना हो अपना मोबाइल नंबर अपने आधार कार्ड में या चेंज करना हो आप यहाँ पे कर पाएंगे इसी वाले ऑप्शन से। तो आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है आधार मोबाइल अपडेट वाला और सिलेक्ट करके नीचे आ जाना है। अब नीचे आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें सिलेक्ट करनी रहती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे सॉल्यूशंस पे ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप मेल हैं फीमेल हैं मिसेज मतलब जो भी हैं आप यहाँ पे जैसे कि हम मिस्टर सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। अब आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है यहाँ पे और आपको यहाँ पे अपना लास्ट नेम डालना है यानी कि सरनेम डालना है। उसके बाद में आप यहाँ पे अपना एक मोबाइल नंबर डाल दें और यहाँ पे आप अपनी ईमेल भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है आप डाल दें ये काम में आएगी आपको। इसके बाद में आपको यहाँ पे एड्रेस डालना है अपना फुल एड्रेस। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझ लीजिए कि आपको एड्रेस कौन से वाला डालना है। मान के चलिए आप बिहार के रहने वाले हैं लेकिन आप अभी काम के सिलसिले में दिल्ली रह रहे हैं तो आपको दिल्ली का ही एड्रेस डालना है, भले ही आपके पास दिल्ली के एड्रेस का कोई डॉक्यूमेंट ना हो। मतलब आपको आपका करेंट एड्रेस डालना है, चाहे आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस हो उस एड्रेस पर आप अभी रह रहे हैं तो वो डाल सकते हैं, या फिर आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस है आप उससे अलग एड्रेस पर रह रहे हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपना करेंट एड्रेस डालना है यहाँ पे जहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर चेंज कराना है या लिंक कराना है। अब यहाँ पे आप अपना फुल एड्रेस डाल दें और यहाँ पे फुल एड्रेस डाल के आप अपना पिन कोड डाल दें। पिन कोड जैसे ही आप यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे आपको पिन कोड डाल के और नीचे आपको सिलेक्ट नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है यहाँ पे। अब आपके नियर में मतलब आपका जो एड्रेस है उससे सबसे नज़दीक जो आपका पोस्ट ऑफिस पड़ता हो अपने पिन कोड में उस पोस्ट ऑफिस को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, राइट। और जैसे ही आप सिलेक्ट कर लेंगे अब यहाँ पे आपको एक चीज का और समस्या देखने को मिल सकता है कि आपको यहाँ पे हो सकता है पोस्ट ऑफिस ना मिले। यदि आपको यहाँ पे पोस्ट ऑफिस नहीं मिलता है आपके पिन कोड पर, जिस पिन कोड पर आप अभी रह रहे हैं, वैसे तो ज़्यादातर ये सर्विस सभी जगह अवेलेबल है, फिर आप ज़्यादा रूरल एरिया में यदि रह रहे होंगे तो हो सकता है आपको ये मे बी ना मिले, तो आपको देख लेना है यहाँ पर। यदि ये नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस आपको नहीं मिलती है तो फिर आपको आधार सेंटर ही जाना पड़ेगा, फिर आपका घर बैठे काम नहीं होगा। और आपको यहाँ पे यदि आपके पिन कोड पर नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस मिल जाता है तो यहाँ पे अच्छी बात है, फिर आपका काम हो जाएगा। उसके बाद में ये ब्रांच ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा, ये डिवीजन रिलीजन स्टेट सारी चीज़ें ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा, राइट। अब यहाँ पे आपको एनी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट में यहाँ पे डाल देना है आई वॉन्ट एड मोबाइल नंबर इन माई आधार कार्ड, ये आप चेंज करवाना चाहते हैं तो आई वॉन्ट चेंज मोबाइल नंबर इन माई आधार कार्ड, ऐसा कुछ आप यहाँ पे डाल दें, राइट। और इसके बाद में आप इनकी टर्म्स को एक्सेप्ट कर लें यहाँ पे इस टाइप से। और फिर आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना है, जो कैप्चा आपको यहाँ पे देखिए सेम टू सेम आपको यहाँ पे फिल करना है। यदि यहाँ पे ये कैप्चा आपको समझ में नहीं आता है तो आप इस वाले बटन पे क्लिक करके इसके साइड वाले पे इसको रिफ्रेश भी कर सकते हैं। जैसे ही आप रिफ्रेश कर देंगे यहाँ पे सेम टू सेम डालना है आपको, जो नंबर हो जो नंबर राइट और जो लेटर हो वो लेटर यहाँ पे जैसे ही आप फिल करेंगे और फिल करके आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब आपकी ये जो रिक्वेस्ट है ये सबमिट हो चुकी है। अब कुछ टाइम के बाद आपके इस एड्रेस पर यहाँ पे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एक कर्मचारी आएगा और वो आपके घर पे ही आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर ऐड करके जाएगा, लिंक करके जाएगा, या फिर आप चेंज करवाना चाहते हैं तो चेंज करके जाएगा आपके घर बैठे, राइट। तो यहाँ पे ये प्रोसेस आपको करनी पड़ती है। आप यहाँ पे अपना वही एड्रेस डालें जिस एड्रेस पर आप कर्मचारी को बुलाना चाहते हो,
तो इसी एड्रेस पर आकर और वो आपका काम करके जाएगा घर बैठे। अब यहाँ पे काफी सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि ये क्या उसका चार्ज वगैरह रहता है, तो उसका कुछ 5,500 रुपए लीगल चार्ज हो सकता है। यदि वो चार्ज लीगल लेता है तो वो उतने रुपए आपको देने पड़ेंगे, ज्यादा चार्ज नहीं होगा इसका, जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत चार्ज तो आपको देना पड़ेगा, राइट। तो ये सारी चीजें रहती हैं, आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका कर्मचारी आएगा और नंबर अपडेट करके या लिंक करके जाएगा। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं प्रोसेस। आई होप इस वीडियो से हेल्प हुई होगी, हेल्प हुई तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।